फिर और कैसे हो मेरे भाई। आई होप तुम लोग अच्छे हो। तुम आ चुके हो अपने भाई के न्यू फ्रोजन किंगडम इवेंट के न्यू गेम प्ले के साथ, जो कि फर्स्ट गेम प्ले होने वाला। चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, बाकी यार दो गेम प्ले काफ़ी मजा आएगा तुम लोगों को देखने में, तो बस देखना यार। और देखो यार घात में आती है विक्टर। थैंक यू। Watch out! यार ये सीन क्या हुआ मेरे समझ में नहीं आया, कमेंट में जरूर बताना भाई बंदा रिपोर्ट करेगा कि नहीं। बाकी सीन के लिए एक लाइक जरूर कर देना। बाकी चलते हैं यार कुछ और बंदों को मारने के लिए। Watch out! Mark the location. अब इसलिए इस स्क्वाड को भी मैं डोमिनेट कर देता हूँ भाई गंदी तरीके से ट्रोल करके। उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर मर के रिकॉल होकर आने वाला था, तभी मैं कहता है साइड कुछ बंदे हैं और वो बंदे यार उसको पकड़ लेते हैं। तो बस देखो यार किस तरीके से रिवेंज। यहाँ ये मत करो। Watch out! यहाँ ये मत करो। Watch out! खाली हो गया। तभी कोई बंदा निकल गया था ना। अब यहाँ पर हम लोग रह गए थे और कुछ बॉट रह गए थे जिनको मेरे टीममेट मार देते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ एक प्लेयर रह जाता है, तो हम समझ जाते हैं खाली हो चुका है। तो यहाँ से हम चले जाते हैं काफ़ी देर वेट करने के बाद। अब इस साइड आते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत इन्जॉय करते। एकदम टिप सम ट्रिक हम शुरू कर देते हैं जो हम रील्स वगैरह में वीडियोज़ में देखी थी, लेकिन यार ये हमसे नहीं होता। क्यों देखो यार भाई, अभी एक बात तो समझ में आ चुकी थी इसकी, हमारे बस की तो बात नहीं है। हमारे बस की एक ही बात है कि भाई जाके बंदे मारो, तो हम उसी काम पे दोबारा लग जाते हैं, बोट लेकर आ जाते हैं। और जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो फटाफट मैं यहाँ पर लगकर बोट रोक देता हूँ और यहाँ पर इजीली लैंड हो जाता हूँ। उसके बाद तभी मेरे टीममेट के ऊपर कुछ बंदे चढ़ जाते हैं, तो बस देखो यार वो गाड़ी से उनको पीछे ले जाता है बंदों के साइड, और एक बंदा नॉक भी कर देता है। तो यार रश तो करना पड़ता।
मतलब बंदों के दिन में खौफ देख रहे हो भाई, गाड़ी से कूद के जान दे दी, इससे बढ़िया हमें किल देने से बढ़िया उसने चलो गाड़ी को दे दूँ, लेकिन हमने फिर भी किल ले लिया नॉक का। और उसके बाद मैं सेट आता हूँ या दूर रुकता हूँ, सामने कंपाउंड में कुछ बंदे होते हैं तो बस देख। थैंक यू। अबे राइट, एक राइट जाओ ना भाई, गाड़ी आ गई लो। यहाँ पर हम बहुत गंदा सैंडविच हो चुके थे, हमारे पास स्मोक नहीं थे ज़्यादा, कोई हील वेल अच्छी नहीं थी और पीछे से भी स्क्वाड आ चुका था आगे से भी, तो यहाँ से भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। अब इस टीममेट तो मेरे वहाँ पर सैंडविच बन जाते हैं, लेकिन मैं इस साइड आ जाता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वाड था तो यार फाइट करनी पड़ेगी। बनने यहाँ पे यार मैंने थोड़ी सी साउंड सुनने में गलती कर दी, बंदे क्लोज आ गए थे और वे नेट इतना कुक नहीं रखने चाहिए थे। और फिर यार सेकंड गेम प्ले इसमें देखो यार काफ़ी सारे तुम लोगों को मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्लचेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम साइड में आए थे क्योंकि इवेंट बहुत दूर था, तो बस देखो यार। Watch out! दो बंदों को हमने पकड़ लिया था, तीसरे को मेरा टीममेट पकड़ लेता है, तो भाई चौथे बंदे को देख। अब यहाँ पर शायद कि भाई जानता नहीं था, न भाग कोई पाया है न भागने का किसी को दिया है हमने। यार वैसे ही किल नहीं मिल रहे, ऊपर से एनिमीज कॉर्नर में बैठ के भाई किल चुरा लेते हैं, तो यार अपनी किस्मत तो कत ही बुरी है। अब ये भलाई करने के लिए सोचा था टीममेट को रिवाइव करूँगा, पहले अपने आप को रिवाइव करना पड़ेगा, मतलब हील करना पड़ेगा, फिर टीममेट को बचाऊँगा। Watch out! अब यहाँ पर इजीली टीममेट को यार रिवाइव कर देता हूँ और उसके बाद फिर चल पड़ता हूँ यार उन बंदों की तरफ जो ठटपाई डालने की बहुत कोशिश कर रहे थे। और जैसे साइड आता हूँ तभी एक बंदा भाई हमारे पर रश कर देता है, उससे वो जो फ्लाइंग वाली चीज है। लौड़ा कौन हो गए? सबसे रणवीर सिंह को पकड़ लेते हैं और इस चीज़ का नाम बताना मुझे, क्या कहूँ, फ्लाइंग जेट कहूँ, रोलर कोस्टर कहूँ, क्या कहूँ भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा इस चीज़ का नाम। बाकी सामने एक मौली करता हूँ, बंदे दिखते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। अबे रे दो इसको रेवा दो। Watch out! Thank you.
इजीली भाई इन बंदों को ठटपाई डालने को शौक था और इनको हम लॉबी से बाहर निकाल देते हैं और फिर उसके बाद चल पड़ेंगे यार कुछ और बंदों के बाद। उससे पहले मैं सोचता हूँ इस ग्लाइड पे से जाऊँ तो काफ़ी मज़ा आता है यार इस पे से जाने में। साला बंदा कहीं हो रहा है मारे कहीं हो रहा है। इनने इनने दो गोली मार दी उसके बावजूद मैंने मेरे के ले लिया बताओ। मस्ती मजाक करते हुए हम इस साइड आ जाते हैं, मेरे टीममेट चले जाते हैं बंदों के लड़ाई करने के लिए, अकेले गए तो हम पीछे से उनको कवर देने जा ही रहे होते हैं। थैंक यू। भाई डिस्को डांसर कपड़े वाले को मार दिया एक ही शॉट में, तो अच्छा लगा हो तो यार इसके लिए लाइक कर देना। बाकी फिर हम लोग चल पड़ते हैं यार कुछ और बंदों को मारने के लिए। उससे पहले मैं कहता हूँ तुम लोग यहीं रुको, मैं टीममेट को रिकॉल कर कर आता हूँ और तभी कुछ है। अब अगर रिकॉल देख करने आया था और वहाँ पर बंदे रश कर देते हैं और सबको रिकॉल करना पड़ता है तो तुम्हारे भाई का भागना काम में आ गया। मतलब भागा नहीं था, मैं रिकॉल करने आया था। अब इस साइड आता हूँ तो लोग कहते हैं नीचे तक लूटेंगे तुम गाड़ी रोक दो, पर मैं गाड़ी रोक पट्टी पट्ट मार रहे हैं। भाई हैकर और वर्ड वाला इस पर अच्छा लगो तो यार इसके लिए सब्सक्राइब तो बनता है। बाकी चल पड़ते हैं यार बंदों के ऊपर रश करने के लिए। बहुत भाई हर तरफ से मेरे पर ठटपाटी हो रही थी तो मैं स्मोक वगैरह करके अपनी जान बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई ये इतना आसान नहीं था। तभी भाई पूरी गाड़ी मेरे पर आ जाती है। Watch out! हाँ मैं जानता हूँ यार मेरी थोड़ी सी गलती थी, मुझे भाई गोली वगैरह चलानी चाहिए थी, लेकिन यार मैं क्या करूँ मेरी गाड़ी का टायर फट चुका था और इससे पहले मैं कुछ करता उससे पहले बंदों ने रश कर दिया। तो यार बाकी टीममेट्स तो मेरे मार के इसको बदला ले लेते हैं इन बंदों से। बाकी यार आज की वीडियो तक के लिए अच्छी लगे सब्सक्राइब करो। बाकी यार इवेंट की गेम प्ले तो लाता रहता हूँ, तब तक के लिए यार बाय बाय।